हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजुना। तो आज मैं आया हूँ अंजुना पर और हम चल के देखते हैं कि अंजुना पे अभी क्या सिचुएशन है मंथ ऑफ मई में। तो ये सामने एंट्री है अंजुना की, यहाँ से आप आते हैं और यहाँ से आप देंगे लेफ्ट में तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, और यहीं लेफ्ट में थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे सन डाउनर्स मिलते हैं, जैसे पिस्को बाय बीच है, लिलीपुट है और शिजैल है। तो हम चलते हैं अभी मेन अंजुना बीच की तरफ और देखते हैं मंथ ऑफ मई में यहाँ लोग कितने हैं, किस तरह का क्राउड है। तो ये टिपिकल एंट्री जहाँ पे आपको हर गोवा पे जो भी बीचेस की एंट्री होती है टिपिकल ऐसी है, जहाँ पे आपको ये शॉपिंग करने के लिए ऑप्शंस मिलता है, जिसमें आप अगर अपने स्विम वेयर या कुछ इस तरह का भूल गए हैं या नहीं लाए तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। टिपिकल एंट्री अंजुना की। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपको होम स्टे और गेस्ट हाउस मिलते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप बीच के पास रुकना चाहते हो और बजट आपका कम है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सामने ये एक चैपल है अंजुना का और सामने ही आपको जो है यहाँ से आप देख सकते हैं अंजुना बीच। बहुत तेज हवा चल रही है और मुझे लग रहा है भीड़ यहाँ पे भी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छी वेव्स आ रही है। सामने आप देखिए कितनी तेज वेव है और उस पर जो है वो बम्पर राइड हो रही है, और आप देखिए बहुत ही ज्यादा तेज है यहाँ पे वेव, और सामने जो है वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स। तो हम थोड़ा इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के जो है बीच पे लोग हैं और क्या भीड़ है। म्यूज़िक तो बहुत सा चल रहा है सब जगह पे। तो ये ऑप्शन आपको जो है वो अंजुना बीच पे मिलेगा अगर आप अभी आएंगे तो, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तक मैं 3 जगह गया हूँ, कैलिंगुट, बाडा और कॉन्दोलिम। जो हैपनिंग सा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हैपनिंग जो है वो क्राउड जो है और जो माहौल है वो मुझे थोड़ा सा अंजुना पे ज़्यादा दिखा है। अगर हम कंपेयर करें वहाँ से तो वहाँ थोड़ा सटल क्राउड है, थोड़ा ज़्यादा उस तरह का तेज़ म्यूज़िक नहीं बज रहा है और वेव भी वहाँ पे इतनी तेज़ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कितनी तेज़ वेव आ रही है कि मुझे भागना पड़ा अपने शूज़ बचाने के लिए। तो वेव्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, अगर आपको इस तरह की वेव्स पसंद है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली जो है वो अंजुना बीच आना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मुझे थोड़ी ज़्यादा तेज़ वेव होती है इस तरह की तो मुझे मज़ा आता है, क्योंकि ये बीच पे ही है, आप बहुत ज़्यादा सी के अंदर नहीं जा रहे जहाँ पे आपको बहुत तेज़ वेव मिल रही है, तो सिक्योर है, सेफ़ है, और ऐसे में वाटर स्पोर्ट्स करने में बहुत मज़ा आता है। थोड़ा डर लगता है बट मज़ा बहुत आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अभी तक जो मंथ ऑफ मई में मैं 3 बीचेस गया और ये चौथा अंजुना है, तो मेरा रिकमेंडेशन तो जो है वो अभी इस टाइम पर अंजुना को है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेव और जो है क्राउड देख के बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा जब आप आएंगे। तो ये एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो इस तरह के सन डाउनर्स और ये जो चीज़ है स्पेशली अंजुना में आपको ज़्यादा मिलती है। अंजुना बेसिकली इसी के लिए फेमस है। और ये सामने लिलीपुट है, तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं लिलीपुट से भी और लिलीपुट और उसको आगे देखते हैं। तो ये है लिलीपुट और ठीक लोग हैं,
ये धीरे धीरे रात में लोग ज़्यादा आना पसंद करते हैं यहाँ पे, सनसेट के टाइम पे और थोड़ा थोड़ा रात होती है तो ज़्यादा आना पसंद करते हैं लोग लिलीपुट। और आप देखेंगे तो सामने तक जो है वहाँ पे कर्लीज हुआ करता था जो कि अब नहीं है, बट शिवा वैली है। तो एक और बहुत ही अच्छी लोकेशन अंजुना पे वो है शिवा वैली, जो ये आपको सामने पहाड़ी दिख रही है उसी के जस्ट बगल में है शिवा वैली। यहाँ से आपको कैमरे से मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बहुत दूर है, बट वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है शिवा वैली, आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं शिवा वैली पर भी। तो यहीं पे और आप आगे चलेंगे तो पिस्को बाय बीच है, उसकी एंट्री भी जो है वो यहाँ से भी है, और आप मेन रोड से जहाँ मैंने एंट्री करी थी अंजुना के लिए आप वहाँ से भी जा सकते हैं, तो जैसा आपको लगे। डायरेक्ट आपको सिर्फ वहीं जाना है तो आप मेन रोड से चले जाएं, और आपको लगता है बीच एंजॉय करते करते आपका मूड होता है इवनिंग में तो आप बीच से भी एंट्री है। तो सामने ये क्लिफ सा है जहाँ काफ़ी लोग फोटो अपना शूट फोटो शूट करवाते हैं इंस्टाग्राम पे, और बेसिकली बहुत ही अच्छा व्यू भी आता है वहाँ से, बट इतनी तेज़ वेव है कि आपको थोड़ा सा सिक्योर रहने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो वेव्स आ रही है। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा उससे, ये सामने आप जो देख रहे हैं क्लिफ, और उसी के जस्ट सामने ही है पिस्को बाय बीच, और एंड में जो आपको ग्रीन नेट सी दिख रही है उसी के बगल में है शिवा वैली। तो ये बहुत ही हैपनिंग जगह है यहाँ की अंजुना की, अगर आप प्लान करें तो आप इनमें से कोई भी जगह जा सकते हैं, आप बहुत इंजॉय करेंगे। वेदर जो है सुबह तो यहाँ पे बादल थे काफ़ी, बट अभी धीरे धीरे जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बादल नहीं है, थोड़ा हेजी सा है, मतलब थोड़ा धुंध जैसा ऐसा लग रहा है, क्लियर नहीं उतना वेदर, बट धूप है, बादल नहीं है और बारिश का कोई चांसेस अभी नहीं है। गर्मी है और गर्मी बढ़ते जा रही है दिन पे दिन, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो गर्मी का थोड़ा आप ध्यान रखें, पानी पीते रहें, आप अगर हो सके तो अपने साथ अच्छे से पानी को कैरी करें, और बीच बीच में नारियल पानी तो आपको हर जगह मिलता है गोवा में, थोड़ा उसे पीता रहे तो आप ठीक रहेंगे, थोड़ा सेफ रहेंगे। और थोड़ी हल्की चीज़ें आप खाना ट्राई करें, हैवी फूड ना करें, क्योंकि अगर आप दिन में ज़्यादा हैवी करते हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, फ्रूट्स लें, तो ये थोड़े से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं जब आप ऐसी जगह आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है। बाकी हवा यहाँ पे कभी गर्म नहीं चलती है, तो आपको ऐसा गर्मी नहीं लगेगी हवा में, हवा में आपको एक रिलैक्स मिलेगा, आपको अच्छा अच्छा मिलेगा लगेगा कि हवा जब भी आपको आती है तो बहुत अच्छा फील कराती है। तो ये एक फ़ायदा है गोवा में कि जब हवा चलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा वाटर स्पोर्ट्स और उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइजेज है अभी वाटर स्पोर्ट्स के, और क्या क्या जो अंजुना की दूसरी साइड है उसमें क्या शैक्स ओपन है, कितने शैक्स ओपन है। तो ये जो है कुछ शैक जो है वो भर चुके हैं, ये उन्हें जो है वो पैक कर दिया है इस सीज़न के लिए, और धीरे धीरे जो है वो ऐसे ही आपको जो है वो शैक जो है वो क्लोज होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे जो है ये काउंटर है वाटर स्पोर्ट्स का, और ये प्राइजेस है अभी वाटर स्पोर्ट्स के, जो पैकेज है वो 1500 रुपीस का है, और पैरासेलिंग जो है वो 900 रुपीस की है, और डिप और हाइट का एक्स्ट्रा है 300 and 200 रुपीस है, ये यहाँ के प्राइस है। और जेट्स की जो है 400 रुपीस की है, पंपर 2% का 600 है,
बनाना जो है वो 1200 का है, उसका आई थिंक 5-6% होते हैं। तो ये प्राइजेस है अभी यहाँ पे, और ये सब जो है वो वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है। बहुत ज़्यादा बिजी है वाटर स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा बिजी है यहाँ पे, बहुत लोग जो है यहाँ वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ कोंडोलिम और कैलिंगुट पागा से तो मुझे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं जो कि वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे, और रीज़न मुझे आइडिया नहीं है, रेट तो सब जगह बराबर है, बट यहाँ पे वेव ज़्यादा अच्छी आ रही है, इस वजह से लोगों का मन ज़्यादा कर रहा है वाटर स्पोर्ट्स करने का। आई डोंट नो, मुझे रीज़न नहीं पता है, बट बहुत लोग यहाँ वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो ये था अंजुना बीच मंथ ऑफ मे में। आई होप आपको काफ़ी ये वीडियो देख के हेल्प मिल रही होगी कि आप जो है अगर प्लान कर रहे हैं अभी गोवा आने का, तो आप किस तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, कौन से बीचेस आपको जाना चाहिए, और किस तरह से अपने डे और अपनी ट्रिप को प्लान करना चाहिए। तो दैट्स इट, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।